फ्रेंड्स, बहुत सारे स्क्रिप्ट में आपने देखा होगा कि लिखा हुआ रहता है उसमें सीन नंबर डाल करके ए बी सी, तो आखिर वो किस लिए लिखा हुआ रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, सीन नंबर मान लीजिए 19 है, तो उसमें लिखा हुआ रहता है सीन नंबर 19A, फिर आगे में लिखा हुआ रहता है सीन नंबर 19B, सीन नंबर 19C, तो आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो अगर आप एक नए राइटर हैं तो आप इसके मतलब को ज़रूर समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको काम देगा ही, आपको स्क्रिप्ट राइटिंग में इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम आईडी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको इसे एक एग्जांपल के जरिए समझा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर मुन्ना भाई MBBS फिल्म की स्क्रिप्ट है। देखिए, इसमें यहाँ पर सीन नंबर 2A लिखा हुआ है और सीन नंबर 2B लिखा हुआ है। अब सीन नंबर 2A और 2B यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब सीन सेम रहता है और लोकेशन जो है वो सेम रहती है, लेकिन उस लोकेशन में कुछ सब लोकेशंस रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई घर है, तो घर के बाहर का सीन या फिर अंदर का सीन उसी सीन में दिखाया जा रहा है, तो उस तरह का हम लोगों को लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए, सीन 2A में लिखा हुआ है लोकेशन क्या है, मुन्नाज हाउस, और एक्सटीरियर का लोकेशन है यानी मुन्ना के घर के बाहर का लोकेशन। अब देखिए सीन 2B में क्या है, सीन 2B में भी इंटीरियर मुन्नाज हाउस, यानी मुन्ना का घर का ही लोकेशन है लेकिन इंटीरियर यानी घर के अंदर का लोकेशन है। तो देखिए अंतर कहां पर आ गया, 2A और 2B सेम सीन है, सेम सीन नंबर 2 है, और इस सीन में ही एक्सटीरियर यानी एक बार घर के बाहर का जो घटना है वो दिखाया जा रहा है और एक बार जो घर के अंदर का घटना है वो दिखाया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर सीन 2A 2B लिखा हुआ है। अब चलिए और आगे हम लोग देखते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, और जगह पर भी ऐसा यहाँ पर इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए हम लोग इसे और आगे देख लेते हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीन 16A और B, इसका इस्तेमाल कब होता है। अब यहाँ पर 16A और B सीन लिखा हुआ है एंड करके, तो क्यों ऐसा लिखा हुआ है 16A और B। देखिए इस तरीके के सीन्स को हम लोग सीन हेडिंग में तब लिखते हैं जब कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता रहता है, फ़ोन पर बातचीत होती रहती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक साइड में जो इंसान बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, ये दिखाया जाता है, और दूसरे साइड में जो इंसान फोन पर बात करते रहता है वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, ये दिखाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर दो लोकेशंस है एक ही सीन के। तो सीन 16A और B लिखा हुआ है, और इंटीरियर अस्थाना हाउस डे, मेन जो है मेन लोकेशन यहाँ का अस्थाना हाउस डे टाइम है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए आगे चलकर आपको यहाँ पर दिखाई देगा 16A में। देखिए यहाँ पर फोन पर बातचीत हो रही है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए इंटरकट, इंटरकट तभी यूज होता है जब फोन पर बातचीत होती रहती है। तो इंटरकट लिख करके लिखा हुआ है, मुन्ना एंड चिंकी एट देयर रिस्पेक्टिव होम्स, मुन्ना इज ऑन रूफटॉप, यानी मुन्ना और चिंकी जो है वो लोग अपने अपने घर में है और मुन्ना जो है वो छत पर है। तो देखिए दोनों फोन पर बात कर रहे हैं, मुन्ना ए चिंकी बोल रही है क्या, चिंकी कौन बात कर रहा है। तो देखिए दोनों के बीच में फोन पर बातचीत हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर दो लोकेशंस को एक ही सीन में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर सीन 16A और B लिखा हुआ है। उसके बाद और भी हम लोग इसे अच्छे से समझ लेते हैं, चलिए आगे इसको बढ़ा करके हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कहाँ पर इसका यूज हुआ है। और देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है सीन 20A और सीन 20B। तो सीन 20A एक्सटीरियर मुन्नाज हाउस डे टाइम, और 20B में लिखा हुआ है इंटीरियर मुन्नाज हाउस डे टाइम, यानी मुन्ना के घर के बाहर का सीन 20A में है और मुन्ना के घर के अंदर का सीन 20B में है। हालांकि ये दोनों सीन सेम है, एक ही सीन में दो लोकेशंस का यूज हुआ, दोनों सेम ही लोकेशन है, सिर्फ अंदर बाहर का फर्क होता है, या फिर अगर मान लीजिए कि एक घर है तो घर के अंदर में ही अगर लोकेशन है तो अंदर में ही हो सकता है सीन 20A बेडरूम का लोकेशन हो जाए, सीन 20B हो जाए हॉल रूम का लोकेशन, सीन 20C हो जाए किचन का लोकेशन, इस तरीके से भी हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के सीन नंबर्स क्यों लिखे जाते हैं स्क्रिप्ट में, और अब आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्रीन प्ले में और अपने स्क्रीन प्ले को बिल्कुल प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।